अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं रवे की बर्फ़ी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे, जिसके लिए एक बर्तन में एक कप पानी डाल देंगे। पानी ऐड करने के बाद डेढ़ कप हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। एक कप पानी ऐड करेंगे और डेढ़ कप शक्कर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। और इसको हाई फ्लेम पर शक्कर को हमें पिघलने देना है, घुलने देना है। अच्छे से शक्कर घुल जाए और हाई फ्लेम पर ही 7 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। एकदम गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना है हमें, बस हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो देखिए चाशनी हमारी पक रही है। अभी पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, हल्की सी थिक भी हो चुकी है। और जब आपको चिपचिपी सी ये लगे तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। देखें चाशनी बन चुकी है, इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। अब सेम पैन लेंगे, इसमें हम घी ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें रवा ऐड करेंगे। 1.5 कप रवा लिया है मैंने और जितने मेरा रवा लिया है उतनी ही मैंने शक्कर भी ली है। 1.5 कप रवा है तो 1.5 कप भी शक्कर की चाशनी बनाई है मैंने। अब रवे को हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको भून लेना है कि इसकी खुशबू आने लगे। देखिए रवा भून चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें 1/2 कप ये कोकोनट पाउडर या फिर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे। 1/2 कप इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और जो इलायची पाउडर हमने बचा कर रखा था वो इस वक्त थोड़ा सा ऐड कर देंगे। बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम ऐड करेंगे। पिस्ते और बादाम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा ही ऐड करना है। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही जो भी मैं नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो आपको मिल पाएगी। देखिए सब मिक्स करने के बाद जो चाशनी हमने बना के रखी थी वो सारी चाशनी मैंने इसमें ऐड कर दी। और ये छोटी कटोरी से दूध भी ऐड कर दिया है मैंने। आप चाहे तो इसको पूरा दूध में भी बना सकते हैं। तो दूध मैंने इसमें 3-4 टेबल स्पून ऐड किया है। और इसको जल्दी जल्दी से हमें मिक्स कर लेना है, वरना इसकी गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से जल्दी जल्दी से आप इसको मिक्स करते जाएं। अब लो फ्लेम पर इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि रवा हमारा अच्छे से कुक हो जाए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, रवा पक चुका है। अब फ्लेम को हाई कर देना है और इसको मिक्स करते जाना है। इतना इसको थिक होने तक हमें पकाना है कि जब तक ये आटे की तरह डो की तरह ना हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। देखिए डो की शक्ल में आ चुका है, रेडी हो चुका है। ये ठंडा होने के बाद में और थिक हो जाएगा, तो बर्फ़ी के लिए इतनी कंसिस्टेंसी सही रहेगी। तो अब जो भी बर्तन या ट्रे आप ले रहे हैं जिसमें आप बर्फ़ी को जमाने वाले हैं, उसको पहले घी से ग्रीस कर लीजिए। अब हमारा बर्फ़ी का जो मिक्सचर है इसको डाल देंगे ट्रे में और इसको सेट कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब मैंने चांदी का वर्क लगाया है, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, वरना आप एज इट इज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं। चांदी का वर्क लगाने के बाद इसमें मैं कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से मैं कोकोनट डाल रही हूँ उस पर। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्तों से हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे, ताकि दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में तो टेस्टी है ही। और ये बहुत मज़ेदार बर्फ़ी बनती है, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आप इसको एक बार बनाओगे तो बार बार इसे ही बनाओगे। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब जो बटर पेपर है उसको रख कर हम इस तरीके से दबा लेंगे, ताकि ड्राई फ्रूट्स हमारे चिपक जाए, गिरे ना ऊपर से।
हाथों से मत दबाइएगा वरना वर्क जो है चांदी का वो निकल जाएगा। अब इसको 1.5 घंटे के लिए हमें ठंडा कर लेना है अच्छे तरीके से। फ़ैन के नीचे भी आप कर सकते हैं या फिर आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तब इसके पीस कट कर ले। तो देख सकते हैं आप कि कितनी मज़ेदार सी हमारी रवे की बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमने घर में बनाई है, बिल्कुल बाहर जैसी बनी है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।